हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने रियान का इतिहास और उसके प्रकार पढ़ लिया था, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था रियान दो प्रकार के होते हैं, एक विस्कॉस रियान और दूसरा संशोधित रियान। आज हम लोग उसके कुछ अन्य प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें नाइट्रोसेलुलोज रियान और कुप्रामोनियम रियान, फिर सेलुलोज एसिटेट निर्मित रियान। तो उसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोसेलुलोजिक रियान। नाइट्रोसेलुलोजिक रियान जो था वो सन 1855 में स्विस के केमिस्ट जॉर्ज आडेमर्स ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी। जो नाइट्रोसेलुलोजिक रियान था, इसका सर्वप्रथम खोज तो जॉर्ज आडेमर्स ने किया था, किंतु ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था। इसलिए फिर 30 वर्षों के बाद सन 1884 में काउंट हिलेरी डी चार्डोनेंट ने नाइट्रोसेलुलोज रियान का निर्माण का विधि करके पूरी तरह से सफलता हासिल की। तो इस विधि में रियान को जो तैयार किया गया वो विधि है कपास या फिर जो लिंटर्स था उसको नाइट्रिक एवं सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया करा करके एक नाइट्रोसेलुलोजिक पदार्थ तैयार किया गया। जब नाइट्रोसेलुलोजिक पदार्थ तैयार हो गया तो उसको स्पिनरेट के माध्यम से निकाला गया, जो हवा के संपर्क में आकर के कड़ा हो गया, और फिर वो एक महीन जो स्पिनरेट के छिद्र द्वारा निकाला गया था, यह एक महीन तंतु था, किंतु वो बहुत ही ज्वलनशील था, इसलिए उसको डीनाइट्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रतिक्रिया करा करके उसको अज्वलनशील एवं महीन तंतु के रूप में निर्माण किया गया। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या किया गया, नाइट्रोसेलुलोजिक रियान विधि का निर्माण किया गया, जो कि व्यावसायिक स्तर से सफल भी माना गया। समझ में आ रहा है, एक बार हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। जो कपास या लिंटर्स जो थे उसकी लुगदी को नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रतिक्रिया कराया गया। प्रतिक्रिया कराने के बाद नाइट्रोसेलुलोज के पदार्थ के रूप में वो तैयार हुआ। जब नाइट्रोसेलुलोज के पदार्थ के रूप में वो तैयार हो गया तो उसको स्पिनरेट के जो छिद्र था, यानी कि जो हम लोग पढ़े थे कि अंगूठे के आकार का धातु का बना हुआ जो था, उसका जो छिद्र था उसी को स्पिनरेट कहते हैं, उसी के माध्यम से इस घोल को निकाला गया। जब इस घोल को निकाला गया तो हवा के संपर्क में आकर के सूख गया, टाइट हो गया, किंतु उससे जो धागा तैयार हुआ वो महीन तंतु था और ज्वलनशील भी था। जो उससे तंतु तैयार हुआ था नाइट्रोसेलुलोज से, वो महीन और ज्वलनशील था, तो इसलिए उसकी ज्वलनशीलता को कम करने के लिए क्या किया गया, डीनाइट्रीकरण की उस पर प्रतिक्रिया कराई गई। जब डीनाइट्रीकरण की प्रतिक्रिया कराई गई तो वो पूरी तरह से अज्वलनशील और महीन तंतु के रूप में तैयार कर लिया गया। यह व्यावसायिक रूप से बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी नाइट्रोसेलुलोजिक रियान के निर्माण में। कुप्रामोनियम रियान का आविष्कार सन 1890 में फ्रांस के एल.एच. डिस्पैसिस ने किया था। इसके निर्माण की प्रक्रिया में कपास अथवा कपास की जो लुगदी थी उसको कास्टिक सोडा के घोल में उबाला गया। कास्टिक सोडा के घोल में उबालने के पश्चात क्लोरीन से ब्लीच किया गया। क्लोरीन से ब्लीच करने के बाद उसको सुखाया गया। जब वो सूख गया तो कॉपर ऑक्साइड व अमोनिया के घोल में उसको डाला गया, ताकि एक गाढ़ा घोल बनकर के तैयार हो सके। जब एक गाढ़ा घोल बनकर तैयार हो गया तो उसको स्पिनरेट के जो छिद्र था उसके बीच से निकाला गया। स्पिनरेट के छिद्र के बीच से निकालते समय सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य इसको रखा गया, ताकि कॉपर अमोनिया जो है उसमें घुल जाए। इस बार स्पिनरेट का छिद्र थोड़ा मोटा रखा गया था, ताकि उससे जो निकलने वाला तंतु हो थोड़ा और अधिक मजबूत उसका निर्माण किया जा सके। इसलिए तो जो स्पिनरेट के छिद्र से हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल निकालते हैं, तो मतलब सल्फ्यूरिक स्पिनरेट के मध्य से इसको जो गाढ़ा घोल तैयार था उसको निकाला गया, और निकालते समय उसको सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य
रखा गया। जब सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य क्यों रखा गया, तो इसलिए रखा गया कि कॉपर अमोनिया जो उसमें था वो घुल जाए। फिर उसके बाद से एक धागे का निर्माण किया गया जिसको हम लोग कुप्रामोनियम रेयॉन के नाम से जानते हैं। कॉपर और अमोनिया होने के कारण इस ये जो रेयॉन था इसका नाम कुप्रामोनियम रेयॉन पड़ा। कॉपर और अमोनिया के कारण ही इसका नाम कुप्रामोनियम रेयॉन रखा गया था। नेक्स्ट है सेलुलोज एसीटेट निर्मित रेयॉन। सेलुलोज एसीटेट निर्मित रेयॉन का निर्माण 1918 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक हेनरी तथा ड्रेफर्स ने किया था। इस विधि का जो निर्माण जो सेलुलोज एसीटेट निर्मित रेयॉन था इसका विधि का जो खोज था इसका निर्माण था वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक हेनरी तथा ड्रेफर्स ने किया था। इसमें कपास तथा बांस की लुगदी को लिया गया था और उसे एसिटिक एसिड व सेलुलोज एसिड पर क्रिया करवा करके एक निश्चित समय तक निश्चित तापमान पर रख करके इसको परिवर्तित किया गया था और जब वो परिवर्तित हुआ तो एक अम्लीय लुगदी के रूप में परिवर्तित हो गया। ओके, जब अम्लीय लुगदी के रूप में परिवर्तित हो गया तो उसको एसिटिक एंडिहाइड्रेट में मिला दिया गया। समझ में आ रहा है, एसिटिक एंडिहाइड्रेट में जब मिला दिया गया तो उससे सेलुलोज एसीटेट में परिवर्तित हो गया। एसिटिक एंडिहाइड्रेट में मिलाने के बाद सेलुलोज एसीटेट में वो परिवर्तित हो गया। ये जो अम्लीय लुगदी था वो सेलुलोज एसीटेट में परिवर्तित हो गया। जब ये सेलुलोज एसीटेट में परिवर्तित हो गया उसके बाद से इसको ठंडे पानी में धो दिया जाता है। तो ठंडे पानी में धोने के बाद सेलुलोज एसीटेट को एक सफ़ेद फ्लैग के रूप में ये तैयार हो जाता है जो कि अर्ध तरल पदार्थ के रूप में होता है। जब ये जो सेलुलोज एसीटेट होता है वो एक मतलब सफ़ेद फ्लैग के रूप में तैयार होता है जो कि अर्ध तरल पदार्थ के रूप में होता है और इस पदार्थ को स्पिन रेट के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है जो कि एक बंद कमरे में भाप दिया जाता है और भाप मतलब प्रवाहित करके इसको स्पिन रेट के क्षेत्र के माध्यम से इस तरल पदार्थ को निकाला जाता है और उसको जब भाप के संपर्क में ये आता है घोल तो उसमें से एसीटेट जो होता है वो वाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है और बाकी जो बच जाता है एक महीन व सूक्ष्म रेशा हमारे सामने बच जाता है और इस विधि के द्वारा सेलुलोज एसीटेट जो रेयॉन होता है वो निर्मित होता है। ठीक है।